नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और ये है हमारी सीरीज जर्नी ऑफ नेशनल आईसीटी अवॉर्डी टीचर। और आज आप सभी जानते हैं कि थर्सडे है, यानी कि गुरुवार, और हम एक ना एक जर्नी आप सभी के सामने लेकर आते हैं। हमारे बहुत सारे मेहमान ऐसे हैं जिन्हें नेशनल आईसीटी अवार्ड से नवाजा गया है और उनकी जर्नी, सभी की जर्नी अलग अलग होती है, सभी की जर्नी खास होती है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपसे क्या बातचीत करने वाले हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। आइए आपको हम अपने मेहमान से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नाहिद खान नूर खान लिगारी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। सर का परिचय हम सभी आपको देना चाहेंगे। सर को 2022 में नेशनल आईसीटी अवार्ड दिया गया था जो कि 2019 के लिए था। सर हेड टीचर हैं चंदवाना प्राथमिक शाला से, चंदवाना मांगरोल डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात में है ये। और सर के पास बहुत सारी जानकारी है जो वो हमें बताना चाहेंगे, किस प्रकार उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की, किस तरह से ऊंच नीच आई, किस तरह से जो चैलेंजेस थे वो उनका सामना उन्होंने किया। और हम सभी जानते हैं जो COVID-19 का वक्त था वो बहुत ही चैलेंजिंग था शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो उस दौरान क्या क्या मुसीबतें आई जो कि सर ने उनका सामना किया, और किस तरह आईसीटी का इस्तेमाल उन्होंने अपने स्कूल में किया और बच्चों का भविष्य और भी ज़्यादा संवारा। हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा training.helpdesk@cit.nic.in। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो कि है NCERT ऑफिशियल, उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सर से पूछना चाहेंगे, सर ये जो आपके सफ़र की शुरुआत हुई थी वो किस प्रकार हुई थी? क्या आपको हमेशा से लगता था कि आपको एक शिक्षक बनना है, आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करना है, और क्या ये आपका एम था नेशनल आईसीटी अवार्ड जीतना? सर अपने बारे में बहुत कुछ है जो आप हमें बताना चाहेंगे, तो क्या हम शुरुआत करें? ओके श्योर मैम जी, थैंक यू मैम। आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए मैं एनसीईआरटी सीआईटी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि मेरा एम था कि नेशनल आईसीटी अवार्ड लेना, दरअसल 2005 में जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तब मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि मैं नेशनल आईसीटी अवार्ड प्राप्त कर सकूंगा। मगर मेरी जो जर्नी रही है उसमें जो टेक्नोलॉजी है और आईसीटी के टूल्स है उसका बहुत अहम हिस्सा रहा है, मेरी एजुकेशन प्रोसेस है उसमें भी अहम हिस्सा रहा है। पहले मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं नेशनल आईसीटी अवार्ड की जो मेरी सफ़र रही है वो किस तरह से मैंने तय की है और वहाँ तक मैं किस तरह से पहुँचा हूँ। सबसे पहले बीएड करने के बाद मैंने विनय मंदिर चोरवाड में प्राइमरी टीचर का एक जॉब स्वीकार किया था और वहाँ पर मैंने 6 महीने तक काम किया था। ये वो स्कूल था जहाँ पर मैं जाता था मगर मुझे आईसीटी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वहाँ पर ऑफिस में एक कंप्यूटर रहा करता था, उस कंप्यूटर को हम कभी कभी यूज़ करते थे और इसी कंप्यूटर के बारे में उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, स्विच ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ऐसा कह सकते हैं कि कोई टूल्स का उपयोग मैंने यहाँ से सीखा है। ये वो स्कूल थी। उसके बाद मैंने न्यू एरा विद्यालय ज्वाइन किया, ये सेल्फ फाइनेंस स्कूल थी मगर ये स्कूल मेरे लिए समझो कि मेरे लिए एक ऐसी विद्यालय थी कि जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैं टीचर के जॉब पर लगा था और मैं लैंग्वेज टीचर था। शुरुआत के दौर पर मैं अकेला ऐसा एक टीचर था वहाँ पर जो कंप्यूटर का उपयोग करके टेस्ट को मैं टाइप करता था और हर सैटरडे को स्टूडेंट्स के पास मैं टेस्ट लेता था। बस इस तरह से मैंने वहाँ शुरुआत की थी। मगर 6 महीने के बाद वहाँ के ट्रस्टी ने मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल बनने का ऑफर किया और मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। ये वो स्कूल है जहाँ पर मैंने लैब का पहली बार इस्तेमाल किया था। वहाँ पर लैब था, उसमें कई सारे कंप्यूटर्स थे, उसमें से आधे कंप्यूटर्स थे वो बंद हालत में थे।
तो हमने हमारे हाथ से कुछ स्टार्ट किया, रिपेयर किया, कुछ मैकेनिक को बुलाकर हमने रिपेयर कराए। और जब भी कोई मैकेनिक आता तो हम देखते हैं, मेरे साथ और कई टीचर्स थे, कि वो किस तरह से रिपेयर करते हैं। और हमने उसके हार्डवेयर के बारे में भी कंप्यूटर के सीखा, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इसके बारे में भी मैंने इसी विद्यालय में सीखा। और मेरी नेशनल आईसीटी की जो आप जर्नी की बात कर रहे हो, तो जो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में उपयोग करना है, वो शुरुआत मेरी न्यू एरा विद्यालय से हुई थी। यहाँ के ट्रस्टी भरत भाई रूपारेलिया जो थे, वो मुझे बहुत ही हेल्प करते थे। वो ट्रस्टी थे, मैं प्रिंसिपल था, मगर हमारा कम्युनिकेशन हमेशा एजुकेशन के बारे में ही रहता। मैंने जब उनसे कहा कि मैं लैब में ये जो 10 कंप्यूटर है उसको बढ़ाकर 20 तक लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने तुरंत मेरी बात का स्वीकार किया और हमने 20 कंप्यूटर उस लैब में हमने इंस्टॉल कराए थे। और उसके बाद जब हमारे वहाँ एनुअल फंक्शन होता था, तो जो सॉन्ग्स होते हैं, प्ले नाटक होता था, उसका एडिटिंग भी मैं करता कंप्यूटर में। और वहाँ से मुझे ऐसा आइडिया आया कि हम एजुकेशन प्रोसेस में भी इस तरह से वीडियोज़ और ऑडियोज फाइल्स बना के इसका उपयोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हमने खरीद कर भी उपयोग किया, और वहाँ पर हमने प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप लेकर हमने एक स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत यहीं से की थी। उसमें एक प्राइवेट एडिशन का कोई हमने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था और बच्चों को हम पढ़ाते थे। और इस तरह से आईसीटी के साथ मेरा जुड़ाव इसी स्कूल से हुआ था। और जब 2011 में मैंने टेट एग्ज़ाम क्लियर किया और सरकारी जॉब मुझे मिला सरकारी प्राइमरी स्कूल में, तब लास्ट डे वहाँ पर फेयरवेल फंक्शन भी आयोजित किया गया मेरे लिए। और वहाँ पर आफ्टर स्पीच देने के बाद, और थोड़ा माहौल भी ऐसा था कि लास्ट डे था और 5 साल से मैं जॉब कर रहा था, पर लास्ट में मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला। पूरे स्टाफ ने और हमारे ट्रस्टी ने वहाँ के मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया। वो लैपटॉप मेरा पहला लैपटॉप था, और उसके बाद नेशनल आईसीटी अवार्ड मिलने के बाद मेरे पास दूसरा लैपटॉप आया। इस तरह से ये जर्नी मेरी न्यू एरा में रही, और वहाँ से भी मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखा। उसके बाद 2011 में मैं लांबा प्राइमरी स्कूल में आ गया। ये गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पर भी सीखने का अनुभव बहुत ही मिला मुझे, और वैसे भी कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिल गए थे, और आईसीटी के साथ करने के काम करने के सुझाव भी मुझे बहुत सारे मिल गए थे। 2011 में जब ये स्कूल मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो थोड़े कम थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी इसके सामने हम कम संख्या में टीचर्स थे, तो हमारे पास दो दो क्लास हमारे भाग में आती थी, तो उस पर हम काम करते थे। और वहाँ पर भी एक लैब था, मगर वो लैब बंद हालत में था। मेरे पास आइडिया बहुत थे, मेरे पास अभी एक लैपटॉप भी था, मैं उसमें भी काम करता था, क्लास में भी इसका उपयोग करता था, बच्चों को अच्छा लगता था। और वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि कई सारे बच्चे इरेग्युलर हैं, और इसके कई रीज़न भी थे, वो अलग बात है, और इसको हम रेगुलर भी कर पाए थे बाद में। और जो ये लैब बंद था उसको स्टार्ट करने का मैंने सोचा, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उससे मैंने बात की कि क्या हम मैं ये लैब का उपयोग कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर कंप्यूटर बंद हालत में है, अगर उपयोग करना है तो थोड़ा रिपेयरिंग करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत है, कुछ पेरिस है। मैंने कहा मैं खुद रिपेयर करूँगा, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? उन्होंने इंस्टेंटली मुझे लैब की चाबी दी और कहा कि ये अब लैब तुम संभालो, पर मुझे अच्छा लगा, उसका एक विश्वास भी था। वहाँ पर एक और टीचर थे, उन्होंने मेरी अच्छी सी हेल्प की, हम दोनों शिक्षक ने मिलकर पूरे लैब की मरम्मत की, साफ सफाई किया, सब कंप्यूटर्स को अच्छी तरह से अरेंज किया, और 10 कंप्यूटर में से हम 8 कंप्यूटर को स्टार्ट कर सके, यानी कि चालू हालत में हम रख सके और उसका हम एजुकेशन में भी उपयोग कर सके। तो ये भी एक अच्छा अनुभव था। वहाँ के एक CRC थे मेरक भाई चेतरिया, उसका भी अच्छा सपोर्ट था। ये स्कूल में कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कुछ अब डेवलप करते हैं, कुछ काम तो मुझे भी अब आ गया था, कुछ काम मैं कर सकता था, जैसे कि ऑडियो फाइल्स बनाना, PPT बनाना, वीडियोस बनाना। और जो स्टूडेंट्स इरेगुलर थे उसको रेगुलर करने के लिए हमने उसके घर पर जाके उससे बताया कि हम कंप्यूटर पर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अब लैब है, उसका भी बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो बच्चे थोड़े समय के बाद रेगुलर हो गए।
तो ये भी हमको फायदा हुआ था लैब से। और जो पीपीटी फाइल्स है वो हम वहाँ पर क्रिएट करके कंप्यूटर में, सभी कंप्यूटर में हम कॉपी पेस्ट करके बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोसेस में यूज़ करते थे। और बाद में हमने ऐसा एक टाइम टेबल बनाया कि जिसमें सभी बच्चे को कंप्यूटर पर बैठने का और उस पर काम करने का अनुभव प्राप्त हो। और कुछ समय के बाद हमको उसका रिजल्ट भी मिला। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि जो इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में भी टाइपिंग करना सीख गए थे। कुछ स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट भी थे कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत होती, एरर होती, तो उसको भी रीइंस्टॉल और रिकवर करना सीख गए। तो इस तरह से बच्चे अपने आप से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही उसको सिखाते हैं, वो भी सीखते हैं। और ये वह स्कूल है लांबा प्राइमरी स्कूल कि जहाँ से मैं पहली बार डिस्टेंस एजुकेशन के लिए लेसन देने का मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि दूरवर्ती शिक्षा कार्य का मैं हिस्सा बना था। और बाइसिक के माध्यम से मैंने कई सारे लेसन दिए थे, और स्टार्ट मैंने वहीं से किया था। मैं जो पीपीटी फाइल्स बनाता था उसमें ऑडियो और कुछ इफेक्ट्स से जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वो हम बच्चों को दिखाते थे। और कुछ एक साल बाद वहाँ का भी प्रिंसिपल का चार्ज मेरे पास आया, फिर वहाँ भी मैंने काम किया। और वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्टर का भी वहाँ पे खरीदी की थी, उसका भी हम यूज़ करते थे, शायद अभी भी यूज़ करते होंगे। और फिर 2015 में मैंने एचटेट जो मुख्य शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर के मैं चंदवाना प्राइमरी स्कूल में एचटेट यानी कि मुख्य शिक्षक के रूप में मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ये वो स्कूल है, अभी मैं यहीं पर जॉब कर रहा हूँ। अब कुछ जो कुछ मैंने सीखा था उसका बेनिफिट, इसका उपयोग मैं यहाँ पर करने वाला था, क्योंकि कई सारी बातें मैं जान चुका था। और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आ गया था, मगर जो कुछ मुझे मैंने सीखा उसका उपयोग करने का समय अब आ गया था। इस स्कूल में मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका रिजल्ट भी पाया है, उसके बारे में मैं अब आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो ई कंटेंट और जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं एजुकेशन में, और जो मैंने क्रिएशन किया है ई कंटेंट का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने कई सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन, ई मैगजीन और पीडीएफ फाइल्स भी क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेरणा पाथे की। जब मैं चंदवाना पैसेंटर स्कूल में आया तब प्रेरणा पाथे पर मैंने कुछ आइडिया सोच के रखा था कि मैं इस तरह से आर्टिकल बनाऊंगा। और कुछ वक्त के बाद राजूला डिस्ट्रिक्ट में एक मेरे फ्रेंड है गौरव भाई पटेल, उससे मेरी बात हुई। वो भी मुझसे डिस्कशन करते थे कि क्या हम कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। तो मैंने सुझाव दिया कि हम प्रेरणा पाथे मैं ऐसा सोच रहा हूँ बना सकते हैं, मगर थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, उसमें कई सारे आर्टिकल्स मुझे लिखने हैं। बच्चों के लिए जो टेस्ट होते हैं हर सैटरडे को हम आयोजित कर सके, ऐसे टेस्ट मुझे राइट अप करने हैं, तो क्या आप मुझे हेल्प करोगे? तो कन्विस्ट हो गए और हम दोनों फ्रेंड्स ये काम शुरू किया। प्रेरणा पाथे जो मैगजीन है वो पीडीएफ फाइल्स में हमने शेयर किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, कई सारी स्कूल्स और कई सारे बच्चों को और टीचर्स को हमने इसका शेयरिंग किया था। इसके अंदर 366 या 365 ऐसे आर्टिकल्स है, और 12 अंक में इसका पीडीएफ फाइल्स हमने बनाया था। उसमें व्यक्ति विशेष, कुछ अच्छे दिन, कुछ अच्छे अनुभव, इस तरह की अलग अलग बातों का समावेश किया गया है। और प्रे असेंबली में हर रोज बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ सके, कुछ रीड कर सके, इस तरह से हर दिन के लिए एक आर्टिकल इसमें लिखा गया था। वो सब हमने प्रेरणा पाथे में यूज़ किया था। और IIM अहमदाबाद का इनसॉट जो वेबसाइट है उस उन्होंने भी इसकी नोंद ली थी, और अपना जो हेडर पेज होता है वेबसाइट का वहाँ पर प्रेरणा पाथे को उन्होंने जगह दी थी। तो ये एक अच्छा अनुभव हमारे लिए रहा था और एक अच्छा स्टार्ट अप भी था। उसके बाद हमने पथ दर्शक भी बनाया, और उसके बाद हमने पॉकेट डिक्शनरी भी बनाई बच्चों के लिए, जो स्टैंडर्ड 3 से 8 के लिए, 3 से 8 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई थी। और इस डिक्शनरी का मैंने 3 फॉर्मेट में क्रिएशन किया। पीडीएफ फाइल कोई भी टीचर चाहे तो उसकी प्रिंट निकाल कर अपने नोटिस बोर्ड पर रख सकते हैं, क्लासरूम में लगा सकते हैं। और बाद में मैंने इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाई थी, और बाद में एक वेबसाइट पर चलने वाला है
वो भी मैंने बनाया था। इस तरह से इंग्लिश गुजराती डिक्शनरी मैंने 3 फॉर्मेट में बनाई, वो सब मैंने बच्चों के लिए ही बनाया था और इसके लिए ही मैं उपयोग करता था। जब ये कामगिरी मैं कर रहा था, सब क्रिएशन कर रहा था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेशनल ICT अवार्ड तक पहुंच सकूंगा या मैं उसके लिए अप्लाई भी करूंगा। बस सिर्फ काम कर रहा था। उसके बाद मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, ब्लॉग पर बहुत कुछ मैंने शेयरिंग किया। जो प्रेरणा पाते हैं, 18,000 से 20,000 से ज़्यादा डाउनलोड मेरे ब्लॉग पर से हुई थी, और जो ऑफलाइन हमने शेयरिंग किया था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग वो वर्कशॉप में भी जाता हूँ डाइट में स्टेट लेवल पर, तो वहाँ पर भी मैं शेयरिंग करता हूँ पेन ड्राइव से या मोबाइल से, वो अलग चीज़ है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है, मगर अब ब्लॉग पर हम देख सकते हैं। उसके अलावा कई सारे आर्टिकल्स भी बाद में लिखे और PDF फाइल्स भी बनाई, और बाद में कुछ अनुभव मुझे प्राप्त हुए। क्लासरूम में एक्टिविटीज़ के दरमियान मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके बारे में कुछ कम जानकारी प्राप्त करते हैं। उनको एनिमल्स के बारे में भी मालूम नहीं, कुछ बर्ड्स के बारे में भी मालूम नहीं। तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है, जो बेसिक नॉलेज है वो देना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं किड्स इनसाइक्लोपीडिया नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कंप्यूटर में चलता है। उसके अलावा गुजरात मैप पजल, इंडिया मैप पजल और डाइट जूनागढ़ के सहयोग से, वहाँ पर मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करता था, तो हमने जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के लिए जो स्थानिक साहित्य होता है उसके लिए हमने बुक्स बनाई थी और वो करीबन 2000 स्कूल में उसका वितरण भी किया गया था गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिला में। तो उसका जो कामगिरी थी उसकी, उसमें मास्टर ट्रेनर के रूप पर मैंने काम किया था। PDF फाइल के अलावा बाद में मैंने ई बुक्स रूप में इसको कन्वर्ट किया था, उसका मैं वीडियो आपसे शेयरिंग करता हूँ वो किस तरह से काम करता है। इसका आइकॉन है, इस तरह से बुक हमने बनाई थी और कई स्कूल में कई बच्चे इसका यूज कर रहे हैं, प्रेस सम्मेलन में भी उसको रीड कर रहे हैं और कोई चाहे तो इसका वीडियोस भी देख सकते हैं। इस फाइल की PDF CDs और हार्ड कॉपीज इसका वितरण भी किया गया था सभी स्कूल्स में, और ये पूरा संकलन मैंने किया था डाइट में। इस तरह से जो स्थानिक साहित्य होता है, वहाँ का लिटरेचर होता है लोकल, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ इफेक्ट भी मैंने दिए, ये सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है मगर इसकी बहुत ज्यादा कंटेंट है। जो हमने बुक्स बनाई है वो वैल्यूएबल है, इसको किस फॉर्मेट में हम ले गए हैं वो बात की बात है, और यहाँ पर वीडियोज भी देख सकते हैं, और ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी किया था वहाँ के प्रोफेसर थे मुकेश भाई, જૂનાગઢની મધ્યમાં નવાબ મોહમ્મદ ખાન બીજાએ બનાવેલા ઉત્કૃષ્ટ કલાના અષ્ટકોણી મકબરો આવેલો છે। નવાબી શહેર જૂનાગઢમાં નવાબી સ્થાપત્ય જુદી ભાત પાડે છે। કલાત્મક ગુંબજો, અત્યંત બારીક કોતરણીઓ નવાબી સ્થાપત્યના બેનમૂન નમૂના છે। આ મકબરા જૂનાગઢના શાહી ઘરાનાના અંતિમ વિસામા માટે બંધાયા હતા। હાલના કોર્ટ બિલ્ડિંગ સામે સ્થિત આ બંને મકબરા કલાના અદ્ભુત નમૂના સમા સ્થાપત્ય કલાના પ્રેમીઓના દિલો દિમાગમાં વસી જાય છે। આ મકબરો વર્ષમાં એક જ વાર ખુલે છે। तो इस तरह से ये ई बुक हमने बनाई और स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ पजल्स भी बनाए हैं जो भी स्टूडेंट्स को यूज़फुल है। मेरा ज़्यादातर कंटेंट होता है वो ऑफलाइन चलने वाला होता है, क्योंकि हम रूरल एरिया से आते हैं और यहाँ पर इंटरनेट की दिक्कत होती है,
पहले तो ज्यादा दिक्कत थी, अब तो कुछ हालात अच्छे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे इसका यूज करते हैं या कोई स्टूडेंट्स या टीचर्स इसका यूज करते हैं तो इंटरनेट की ज्यादा जरूरत ना। इस तरह से मैंने इंडिया में पजल भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। सभी स्टेट्स के स्थान और उसके नाम याद रखने के लिए जो ट्रिक होती है वो यहाँ से मिल सकती है और याद कर सकते हैं, रिपीट वर्क कर सकते हैं। तो ये भी मैंने क्रिएट किया था। इसके लिए मैंने सभी स्टेट्स के जो मैप्स है उसका कलेक्शन किया था और उसको एडिट किया था। कॉपीराइट का कोई इश्यू ना आए इसलिए मैंने पूरे जो मैप्स है वो अपने आप से अलग से बनाए हैं, उसका डिजाइनिंग भी चेंज किया है। सर ये पजल बहुत क्रिएटिव है, आपने बहुत मेहनत की है, दिख रहा है। ओके थैंक यू मैम जी। पूरे स्टेट्स के जो मैप्स है वो मैंने बनाए थे और बाद में ये आइसप्रिंग की मदद से अभी जो आप मैंने CIT पर लूमी जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करना सीखा था वो भी इसी तरह से काम कर रहा है, तो मैं उस पर भी अभी काम कर रहा हूँ, तो उससे भी मैं बना पाऊंगा। ये मैंने आइसप्रिंग में बनाया। इस तरह से जो मैप है वो काम करता है, इसी तरह से गुजरात का भी मैप है। ये वीडियो मैंने इंडिया मैप बताया था, गुजरात का भी मैप मैंने क्रिएट किया है और क्विज बैंक भी मैंने बनाई। तो इस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन और इमेजिन पर भी वर्क किया है, कुछ PDF फाइल भी बनाई है। और बात करता हूँ मैं एजुकेशन इनोवेशन फेस्टिवल की, मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि कभी इनोवेशन फेस्टिवल भी आएगा, मगर मैंने जो कुछ काम किया था उसका कलेक्शन मेरे पास था। और 2016-17 में जब इनोवेशन फेस्टिवल का कंसेप्ट आया गुजरात में और पहला या दूसरा सेकंड इनोवेशन फेस्टिवल आया, तब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे पास कई PPT फाइल्स थी जिसका मैंने क्रिएट किया था, तो उसी के मदद से मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, किड्स इंसाइक्लोपीडिया इस नाम से मैंने सॉफ्टवेयर बनाया। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो क्लासरूम के अनुभव से आपको मिलती है। जैसे कि हम बच्चों को पूछते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय एनिमल क्या है, तो उसको मालूम नहीं होता है। तो ऐसे सवाल जब पूछते हैं और उसको उसका आइडिया नहीं है तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएशन करना चाहिए जो उसके सवालों को, बच्चों के सवालों को जवाब के रूप में मिले और अपने आप वो उसका संशोधन कर सके। इसके लिए मैंने किड्स इंसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर बनाया था। बाद में e-डिक्शनरी भी है, क्विज बैंक है, अभ्यास एप्लीकेशन, ये सारे मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से रैंक प्राप्त करके स्टेट लेवल तक मैंने अपने इनोवेशन को प्रस्तुत किया है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स है। ये राजकोट में इनोवेशन फेस्टिवल हुआ था, वहां का शील्ड है। और ये किड्स इंसाइक्लोपीडिया के बारे में मैंने जो आपसे बात की थी वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको बताऊं। ये भी कंप्यूटर पर चलने वाली एप्लीकेशन टाइप फाइल है। जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हमको इसका स्क्रीन मिलता है और बाद में हमको गुजरात, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स और वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, इस तरह से तीन कमांड मिलते हैं। अगर हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो आगे का पेज खुलता है। इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें गुजरात स्टेट है, उसके सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके मैप है और उसकी जानकारी है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, ये डिस्ट्रिक्ट है कब अवेलेबल हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, और वहाँ की जो डाइट है उसका एड्रेस, उसका उसके बारे में जानकारी, और कई जो पर्यटक स्थल है उसके बारे में भी इसमें जानकारी है। और इसी तरह इसकी नोंद आपने भी वहाँ पर ली थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर, और तब मुझे लेटर भी मिला था। अब मैं कुछ क्लासरूम की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में मैं कुछ अपने आइडियाज है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे स्कूल में दो ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट है, यानी कि ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टर होते हैं और हमारे लैपटॉप से हम इसको क्लास में एजुकेशनल प्रोसेस करते हैं, तो बच्चे भी उसका यूज़ करते हैं, उसका पूरा हैंडलिंग ही बच्चे करते हैं स्कूल में। इस तरह से क्विज और वगैरह हम इस प्रोजेक्टर के मदद से बताते हैं, ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के। कुछ ऐसे भी अनुभव हम देते हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी है, आज की नई जो टेक्नोलॉजी है उनसे भी वाकिफ करना जरूरी है।
ये क्विज बैंक है जो आप देख रहे हैं वो मैंने खुद क्रिएट किया था। इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया था और जो बच्चे हैं वो क्लास में खेल सकते हैं बिना इंटरनेट के। इसका भी इनोवेशन फेस्टिवल में मुझे नंबर प्राप्त हुआ था। कुछ वीडियोस भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक आर्डुइनो प्रोजेक्ट के बारे में एक मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, किस तरह से ब्लूटूथ मोबाइल और आर्डुइनो के उपयोग से हम तीनों डिवाइस को कनेक्ट करके हम यातायात के साधन भी बना सकते हैं। हमारे पास आर्डुइनो के 3 किट है, आर्डुइनो यूएनओ, यूनो और 2 आर्डुइनो नैनो। यह 3 किट पर भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी कुछ पोर्टिंग वगैरह में सीख रहा हूँ। थैंक यू स्वयं और स्पोकन ट्यूटर, वहाँ से मैंने काफ़ी जानकारी प्राप्त की है इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं बच्चों के लिए वो बहुत ही जरूरी है। अभी हम ऑटो पार्किंग सिस्टम भी हमने बनाया है इसके बारे में, वो साइंस फेयर में हम वो प्रेजेंट करने वाले हैं। आर्डुइनो का जो कोडिंग है उसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी मैं बच्चों को दे रहा हूँ, क्योंकि अभी उसके सब्जेक्ट से कुछ ऊपर है ये कोडिंग। अभी उनके लिए स्क्रैच मॉड्यूलर ऐसा ठीक रहेगा मैं सोचता हूँ, मगर ये भी अनुभव जरूरी है। तो इस तरह से नए नए जो अनुभव होते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम क्लासरूम तक ले जाते हैं और बच्चों को उससे अवेयर करते हैं, शायद आगे जाके उसको कुछ उपयोगी साबित हो, क्योंकि अभी उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, वो जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। और ये आईसीटी का जो सब्जेक्ट है, ये जो सोर्स है सभी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, इस तरह से ये भी एक्टिविटीज है। अभी ये लैब है पुराना, अभी नया आने वाला है, वो भी अभी चेंज होगा। और ये जो हमारी किट है आर्डुइनो की, इस तरह से मेरे पास इसकी किट है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कुछ प्रोग्रामिंग करने के बाद हम अपना नाम हाईलाइट करना एलसीडी पर, ये कुछ ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। एक और वीडियो है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये एआर टेक्नोलॉजी गिटहब पर है जो ओपन सोर्स है, इन फ्यूचर इन पर हम काम कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है और बिना इंटरनेट के हम इसको बना के, उसका 3D यूज बना के हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है, वो भी हम बच्चों से शेयर करते हैं, उनको कुछ आइडिया मिलते हैं इसमें से। और टीचिंग कार्य है, लर्निंग प्रोसेस है, वो इंटरेस्टिंग होती है। और ये भी कुछ देखिए, ये इमेजेस पर कुछ काम किया है, टेलीस्कोप की मदद से मैंने मून का जो साइट है उसको कैप्चर किया था और उसमें कुछ एडिटिंग करके इस तरह से इसका व्यू है वो मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं। ये मैंने कैप्चर किया हुआ है और बच्चों को भी मैंने ये क्लास में बताया था, ऐसे कई सारे फोटोग्राफ्स। तो ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज से हम क्लास में करते हैं। अब COVID-19 की जो आपने बात की थी कि वो एक विकट परिस्थिति थी, और वहाँ पर कई सारे टीचर्स ने, सभी के लिए समस्या थी, एक अकेला मैं नहीं, पूरे इंडिया में, शायद पूरे विश्व में सभी के लिए दिक्कत थी कि हम शिक्षा कार्य को बेहतर कैसे बनाएं और बच्चों तक शिक्षा कार्य को कैसे पहुंचाएं। तो सभी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। मैंने अभ्यास एंड्रॉइड एप्लीकेशन COVID-19 पीरियड के पहले बनाना शुरू कर दिया था। ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, ये कोड्यूलर और ऐप इन्वेंटर की मदद से मैंने बनाया है। एंड्रॉइड स्टूडियो पर मैंने कुछ वक्त काम किया था, मगर उस पर ज़्यादा समय वक्त तो बर्बाद होता है और वो कोडिंग मेरे से नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने कोड्यूलर और ऐप इन्वेंटर का सहारा लिया था। और ये एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें जो टेक्स्ट बुक होते हैं सभी, सोशल साइंस, साइंस, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, सभी जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर है, उसकी PDF फाइल मैंने अभ्यास एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एक्सेस की थी।
और सभी डेटा मैंने गूगल ड्राइव पर अपलोड किया था। मेरे कोई वेबसाइट मेरे पास नहीं थी या मेरे पास कोई स्पेस नहीं था कि जहाँ पर मैं ये सब डेटा इंस्टॉल कर सकूँ, स्टोर कर सकूँ, पर मगर मैंने गूगल ड्राइव का उपयोग किया था। इस एप्लीकेशन में 157 MCQs है और अब तो इससे भी ज़्यादा है, 311 वीडियोस है जो मेरे YouTube चैनल पर है, वहाँ से मैंने इसको एक्सेस किया है। क्वेश्चन पेपर्स है, ब्लू प्रिंट है, एसेज है, साइंस और साइंटिस्ट के बारे में आर्टिकल्स है, और जो ई डिक्शनरी में बात कर रहा था, तो जो मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया था इसको मैंने इसके साथ अभ्यास एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ एक्सेस कर दिया। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से काम करते हैं। बेसिक मैथ गेम है और मीनानी दुनिया, उसके सारे एपिसोड, ऑल एपिसोड MP3 के स्वरूप में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पोएम्स है, QR स्कैनर है, सब कुछ मैंने इस ऐप में डाला है। ये ऐप कुछ इस तरह से दिखती है और हम इस ऐप का जब उपयोग करते हैं, बच्चे उपयोग करते हैं, टीचर उपयोग करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये ऐप काम करता है। ये इसका आइकॉन है अभ्यास ऐप का। यहाँ पर स्टैंडर्ड 6, 7, 8 उसके लिए खास ई कंटेंट वहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। स्टैंडर्ड 6 लेंगे तो वहाँ पर MCQ, पाठ्य पुस्तक, वीडियो, साहित्य, निबंध, अध्ययन, इस पर यह सब कुछ मिलेगा। अगर आप MCQ पर क्लिक करते हैं तो एक और पेज ओपन होगा, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर के नाम है उसमें से कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करके बच्चे इसकी MCQ खेल सकते हैं। इस तरह से जो क्विज है वो बच्चों के सामने आ जाएगी, खेल सकते हैं। अगर करेक्ट आंसर है तो इस तरह से रिप्लाई मिलेगा। अगर इनकरेक्ट आंसर है तो इस हिसाब से रिप्लाई मिलेगा और टाइमिंग भी सेट किया हुआ है। अगर गलत आंसर होगा तो इस तरह से रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा इस ऐप के अंदर मैंने कई सारा ई कंटेंट डाला है, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अगर कोई पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है वो रीड करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है वो कहीं पिकनिक पर गया है या कोई बाहर टूर पर है, तो वहाँ पर भी इस ऐप का उपयोग करके वो अपना अभ्यास जारी कर सकता है। और कोविड के समय दरमियान इस ऐप को मैंने बहुत शेयरिंग किया था, ज़्यादातर मैंने अपने तालुका और डिस्ट्रिक्ट पर ही शेयरिंग किया था, क्योंकि डेटा एक्सेस में बाद में कुछ तकलीफ भी हो सकती है, ज़्यादा बच्चे यूज़ करेंगे, तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में शेयरिंग किया था। इसमें इस तरह से वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सुविधा भी है। किलाओ पर कोतरावी प्रजा साथे संवाद करता हता। प्राचीन भारत ना अनेक राजाओ अनेक और ये कुछ ब्लू प्रिंट्स, पेपर्स वगैरह वो भी स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और एसेस की बात करें, जो निबंध है वो भी मैंने गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में इस तरह से इसमें एक्सेस किए हैं कि वो भी इसका रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करेंगे वो ऐसे को रीड कर सकेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत है तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता है, तो ये भी कुछ इसमें इवेंट्स, कुछ टेक्निक का मैंने उपयोग किया था पॉडुलर में, और इस तरह से ये डिज़ाइनिंग भी किया था। और कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है, ये कुछ इंग्लिश एसेस स्टैंडर्ड 3 से लेके 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। अभी कुछ 400 से ज़्यादा मोबाइल में इंस्टॉल है अभी, जैसे तो ये 4000 से ज़्यादा इंस्टॉल हुए हैं, मगर कुछ लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। अभी जो करंट यूज़र है वो 400 से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट और साइंस के बारे में जो आर्टिकल्स है वो भी यहाँ पर एक्सेस किए हुए हैं, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। और मैंने एक ई डिक्शनरी बनाई थी वो भी इसमें एक्सेस कर दी है, यानी कि वो सुविधा भी इसी ऐप में डाल दी है, जो अलग से ऐप थी ई डिक्शनरी। और
अभ्यास है भी, वो दोनों को मैंने कंबाइन साथ में चलाने का प्रयोग किया था और इसमें वो दोनों साथ में चल रही है अभी। अभी आगे चलता हूँ, अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, कुछ ज्यादा ही वक्त ले लगा। तो इस तरह से अभ्यास ऐप मैंने डेवलप की थी और लास्ट टाइम टॉय फेयर का जो आयोजन हुआ था उसमें मैंने पिक्चर पजल से एक ऐप बना के वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मुझे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर रैंक मिला था। उसका भी वीडियो में जरा दिखाना चाहूँगा आपको कि वो किस तरह से काम करता है। इस तरह से पिक्चर पजल ऐप काम करता है, FLN के लिए शायद ये बहुत उपयोगी रहेगा इन फ्यूचर। वहाँ पे पिक्चर्स आते हैं और ब्लैंक आते हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है और इस तरह से जो उसके लेवल है वो आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने ये ऐप निंजा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ये ऐप डेवलप किया था। प्ले स्टोर पर भी ये ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सर, ये ऐप बनाने में आपको कितना वक्त लगा था? ये ऐप बनाने में 6 महीने का वक्त लगा था। सभी पिक्चर्स को कलेक्ट करना और बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से, लर्निंग आउटकम के हिसाब से वर्ड्स को फाउंड करना कि कौन से पिक्चर्स वहाँ पर हमें लेने हैं ऐप में। okay. तो इस तरह से 6 महीने का वक्त लगा था। सर, ये किस कक्षा का बच्चा इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है? छोटी कक्षा का 1 से 5 तक लेकर, या फिर 12वीं कक्षा का भी बच्चा कर सकता है? ये वैसे तो 12वीं कक्षा तक बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी मैंने इंक्लूड किए होंगे, तो इस तरह से इसका लेवल भी अप होगा। कभी ऐप को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। okay. सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये सुविधा इसमें है। okay. तो इस तरह से मैंने इसमें काम किया था जी। ये पिक्चर पचल इस तरह से इसके आइकॉन से एक QR कोड है, वहाँ प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और GCRT द्वारा एक सर्टिफिकेट भी मिला था। और GCRT में जो प्रेजेंटेशन था हमारा, वहाँ का ये पिक्चर है, ये भी आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने आर्टिकल में लिया था। अभी लास्ट टाइम ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फेस्टिवल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर मैंने एक फाइल इंट्रोड्यूस की थी मैंने पार्टिसिपेट में, किड्स वर्ल्ड नाम से। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा वो किस तरह से काम करते। जो किड्स इंसाइक्लोपीडिया है उसका लेटेस्ट वर्जन ये है। किड्स इंसाइक्लोपीडिया गुजराती मीडियम में थी, मगर किड्स वर्ल्ड है वो मैंने इंग्लिश में बनाया था। इस तरह से ऐप ओपन होता है कंप्यूटर में, बिना इंटरनेट के चलता है। इसमें हमें इंडिया एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम इंडिया बटन पर क्लिक करते हैं तो इंडिया का मैप हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और सपोज किसी कोई एक स्टेट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर इंडिया के बारे में ऑडियो सुनना चाहते हैं, इंडिया इज अ फेमस कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। जियोग्राफिकली आवर कंट्री इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर क्लिक करने इंडिया इज अ कंट्री वेल प्रोटेक्टेड स्टॉप कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट पर क्लिक करके वो स्टेट का इमेज हम देख सकते हैं, उसका मैप किस तरह से है। ये सभी मैप भी मैंने कलेक्ट किए थे और क्रिएट भी किए थे। कॉपीराइट इश्यू के कारण कई कुछ कंटेंट हमें क्रिएट करने पड़ते हैं या एडिट भी करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट की याद भी हमको मिलती है। वहाँ पर एनिमल्स और बर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। वहाँ पर ड्रैग करने से वहाँ भी कुछ टेक्स्ट हम हाईलाइट हो गए, वो स्टूडेंट्स टीचर्स या कोई भी पढ़ने वाला रीड कर सकता है और कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। और अगर इस गुजरात के बारे में आपको ऑडियो सुनना है तो वो भी आप क्लिक करके सुन सकते हैं ऑडियो आइकॉन बटन पर। गुजरात इज अ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 मई 1960। गुजरात हैज अ टोटल ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स कैपिटल इज गांधीनगर। जो विकिपीडिया से मैंने, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात। गुजरात कहां पर लोकेटेड है? गरबा डांस ऑफ गुजरात इज वेरी फेमस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ। स्टॉप कर सकते हैं और यहां पर इंडिया मैप है, वहां पर क्लिक करके हम वापस। हेलो मैम,
जी सर जी, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है और बच्चों को भारत के बारे में कुछ भी जानना हो, किसी भी स्टेट के बारे में जितनी मर्जी जानकारी चाहिए हो, इस ऐप के जरिए मिल सकती है। ओके जी, तो इस तरह से काम करता है और इसमें और दो सुविधाएं भी है शामिल। यहाँ पर होम पेज पर जाके हम देख सकते हैं वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स और वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर कई सारे एनिमल्स के बारे में भी आर्टिकल्स मिलेंगे। इस तरह आप क्लिक करने से एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आवाज कैसे करता है, वो किस तरह से आवाज करता है वो बच्चे सुन सकते हैं। यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, वहां पर एक ऐसे भी है, अगर वो ओपन द टाइगर इज अ, स्टॉप करके फिर से अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स। Tigers are the largest members of the cat family. Okay, tiger के बारे में और कुछ भी information यहाँ पर मिलेगी, इसका weight है, यहाँ पर इस हिंदी में किस तरह से लिखते हैं, संस्कृत में किस तरह से, इस तरह से कई सारे animals के बारे में आपको information मिलेगी। और इसी तरह से animals के साथ आपको birds के बारे में भी information मिलेगी। तो इस तरह से kids world जो कंप्यूटर में चलने वाली एप्लीकेशन है उसका निर्माण किया था। इसमें मैंने पीपीटी और एचटीएमएल कंपाइलर, इन सभी सोर्स का उपयोग करके ये मैंने डेवलप किया है। और ज़्यादातर जो कंटेंट है वो मैंने फोटोशॉप और इमेज एडिटर के यूज़ करके मैंने बनाया है। ओके ओके, ये मेरे कुछ यूट्यूब चैनल्स है। और कोविड के समय में जी, हमारे पास जो ज्ञान कुंज में कंटेंट था उसको मैंने कन्वर्ट करके 1 GB डेटा को कन्वर्ट करके 30 MB तक की फाइल को साइज में कन्वर्ट किया था। और इस तरह से मैंने 150 से ज्यादा वीडियो से यूट्यूब पर अपलोड करके व्हाट्सएप फेसबुक द्वारा बच्चों तक पहुंचाया था। तो ये काम भी हमने किया था। सर टोटल कितने चैनल्स हैं आपके? मेरे एक ही चैनल है नाहिद लिगारी, मगर उसमें अलग अलग उसको डिस्क्राइब किया है मैंने। ओके, इस तरह से इसके सब्सक्राइबर से व्यूज है। और ज्यादातर मैं हमारे तालुका लेवल पर ही मैं इसको शेयरिंग करता हूँ। ये कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो मैंने क्रिएट किए। अभ्यास एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात की थी। इस तरह टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए भी मैंने ऑफिस एप्लीकेशन बनाया था, यहाँ पर एक वीडियो है। मगर मैंने कई सारी एप्लीकेशन के बारे में बताया है तो ये वीडियो के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। इंग्लिश क्विज स्टैंडर्ड 6 to 8 स्टोरी टाइम एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन मैंने बनाए हुए हैं। और ये कुछ बाइसिक में मैंने लेसन लिए हैं, वहाँ पे भी मुझे एक तक मिली थी काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहाँ पर भी मैंने काम किया है। और जो मैंने स्कूल के बाहर हमारे क्लासरूम से आगे मैंने जो कुछ काम किया है उसकी कुछ जानकारी है। SRGO ICT, इस तरह मैं काम कर रहा हूँ। मास्टर ट्रेनर ऑफ ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट पीयर लर्निंग ग्रुप है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। ICT जो वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग होते हैं डाइट में, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ और डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ है, वो भी कंबाइन चल रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने काम किया है। और जो इनोवेशन फेस्टिवल होते हैं उसका जो आइडिया शेयरिंग एंड राइट वर्कशॉप होता है, उसमें मैं मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और हर साल 60 से 70 जो टीचर्स होते हैं उसका ये वर्कशॉप होता है। और जो मैंने ई कंटेंट डेवलप किया है डाइट जूनागढ़ द्वारा, वो कुछ इस तरह से, मेरा ई कंटेंट मैंने जो डेवलप किया है वो अलग है, और ये डाइट के माध्यम से जो किया है वहाँ पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप दरमियान वो अलग है। मारो जिलो जूनागढ़ है, मारो जिलो गिर सोमनाथ इनोवेशन फेस्टिवल Volume 1 to 5 ये PDF फाइल है। और माई डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बताया था। बेस्ट स्कूल डॉक्यूमेंट्री ICT Module 1, ICT Module 2 और लास्ट में बेसिक ऑफ कोडिंग स्क्रैच 2022 में अभी लेटेस्ट हमने वो बनाया है, उसमें भी मैंने मास्टर ट्रेनर के रूप में ही काम किया है। और पूरा कलेक्शन और जो फाइल बनाते हैं वो सभी मैंने बनाए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी है सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 और 7 के लिए, जिसमें गूगल फॉर्म के स्वरूप में हमने और सभी यूनिट्स के लिए क्विज बनाई है। और दीक्षा के लिए भी हमने लास्ट 2 ईयर्स में काम किया था, उसमें हमने सोशल साइंस 6 और 7 के लिए सभी यूनिट के वीडियोस हमने क्रिएट किए हैं। तो ये सब काम हमने डायट के माध्यम से मैंने किया है। और जो कुछ हमारे पास इक्विपमेंट है उसकी ये लिस्ट है। मेरे स्कूल में 2 लैपटॉप है, पर्सनल मेरे पास है, मैंने आपसे बात की थी।
कि पहले मुझे न्यू एरा में पहला लैपटॉप मिला था, और इस दौर के जब मैं नेशनल आईसीटी अवार्ड लेने पहुंचा तो वहां एक लैपटॉप मिला था। तो एक लैपटॉप से मेरी जर्नी शुरू हुई और यहां से और आगे बढ़ेगी। और अब तो मैं बच्चों के लिए ये काम करना चाहता हूँ। एंड्रॉयड फोन है स्कूल के लिए, प्रोजेक्टर है 2, IR कैमरा है ज्ञानकुंड प्रोजेक्ट में, मॉनिटर है 5, स्मार्ट टीवी है 2 स्कूल में, एक LCD मैंने पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, मॉडम राउटर, प्रिंटर, टेबल टॉक, डिजिटल राइटिंग और ड्राइंग बुक है, कैमरा है 2, एंड कंप्यूटिंग और डिश टीवी। इस तरह से कुछ इक्विपमेंट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं स्कूल में। और कुछ है सेमिनार और ट्रेनिंग की बात करता हूँ मैं आपसे। GCRT द्वारा ICT सेमिनार का आयोजन हुआ था, वहाँ पर भी मैंने काम किया था और वहाँ से भी सम्मान मिला था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम इस तरह से सेमिनार और ट्रेनिंग में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये कुछ डाइट के पिक्चर्स हैं, और स्टेट लेवल पर ज्ञान कुंज पीयर लर्निंग ग्रुप के पिक्चर्स है, इनोवेशन के पिक्चर्स है। और आपकी ओर से कभी भी सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, तो मैं विन चुक उसमें मैं पार्टिसिपेट होता हूँ, और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मेरी वेबसाइट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वेबसाइट मैंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाई थी, नादिर लिगारी। वैसे तो वो मेरे टीचर के रूप में काम कर रहा है। कभी भी मुझे HTML के बारे में जानना हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जानना हो, तो विशेष रूप से उससे उसके पास से ही मुझे आइडिया मिलते हैं। अगर कुछ बग्स हो, एरर हो, तो वही सॉल्व करता है। वो मेरा छोटा भाई है, मगर वो मेरे टीचर के रूप में काम करता है ICT। ये मेरा सर, जैसे हम देख सकते हैं आपकी वेबसाइट भी गुजराती में लिखा है, तो क्या ये वेबसाइट में जो हमें जानकारी मिलती है वो सब गुजराती में मिलती है? मिक्सअप है, कुछ इंग्लिश में भी है, कुछ आर्टिकल्स ज्यादातर गुजराती में है, क्योंकि हमारा माध्यम यहाँ पर गुजराती है पढ़ाई का, तो हम गुजराती में ही मैं डेवलप करता हूँ। और ये किड्स वर्ड है, वो पूरा मैंने इंग्लिश में बनाया था, जो ऑफलाइन चलने वाली एप्लीकेशन है। अच्छा, देखिए इस तरह से ये हमारी वेबसाइट भी है, जो पहले ब्लॉग था उसमें से जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, पर आगे जाके ब्लॉग क्लोज कर दूंगा और ये जो वेबसाइट है उसको उस पर मैं कंटिन्यू रहूँगा। ये प्रेरणा पात है जो मैंने आपसे बात की थी, IIM ने भी इसका नोटिस किया था और हमको उसके फ्रंट पेज पर जगह दी थी। ये मैगजीन कुछ इस तरह से दिखता है, प्रेरणा पात है, 365 अंक में हमने बनाया था, 365 आर्टिकल से 12 अंक में हमने बनाया था। इसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है, इसको PDF फाइल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर भी हम इसको चिपका सकते हैं, बच्चों के लिए ये यूजफुल हो सकता है। और चाहे तो मेरी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल होते हैं, प्री असेंबली में बच्चे इसको पढ़ेंगे और दूसरे बच्चे इसको सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त होगी, उसमें मॉरल स्टोरीज भी है। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टेक्स्ट बुक का कंटेंट, ये सोशल साइंस का एक लेसन है, आदिमानव स्थायी जीवन सफर, उस पर आप वीडियो भी देख सकते हैं और देख सकते हैं आपके पूरा टेक्स्ट बुक का कंटेंट पढ़ भी सकते हैं। और क्विज का भी वहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह एक और लेसन मैं आपको बताऊंगा, बाद में इसको क्लोज करूंगा वीडियो को, चालू इतिहास जानी, जो मैंने CIT में अभी ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैंने कुछ सीखा था लूमी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसका उपयोग करके भी मैंने क्विज बनाई है जो वीडियो के साथ आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं ऐसा बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, और मेरी अपेक्षा भी है हमेशा CIT से कि मैं कुछ सीखूँगा, कुछ ज़्यादा सीखूँगा, सभी वर्कशॉप को अटेंड कर सकूँ मैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो है, वीडियो के बीच में ही है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, उसका आंसर लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये वेबसाइट काम करती है, उसमें कई सारा कंटेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ जी। सब बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में इतनी सारी जानकारी लेकर, और पर हमारे पास ना बहुत ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास आखिरी के 2 मिनट हैं, तो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो क्या हम पूछ सकते हैं? जी सर, जैसे आपने इतना काम किया है और 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आपके पास, पर क्या आप किसी को भी इसका श्रेय देना चाहेंगे कि आपने जो अकेले तो आपने काम नहीं किया है, आपके साथ बहुत सारे शिक्षक भी थे, टीम वर्क भी होता है, तो जो साथ में शिक्षक थे क्या उन्होंने भी आपको उतना ही साथ निभाया कि हमें भी ICT टूल्स सीखने हैं और बच्चों को इसी तरह पढ़ाना है इसी पैशन से? हाँ,
आपका सवाल अच्छा है जी। इसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो टीचर्स है वो ट्रेडिशनल पद्धति से ही काम करना चाहते हैं, वो बाहर से कुछ आईसीट का यूज करना या कुछ चार्ज लाना वो ज्यादातर पसंद नहीं करते, मगर जब हम ऐसा काम करते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं और ये जब सब वो देखते हैं ऐसा तो उसको भी लगता है कि ये तो हम भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, तो इस तरह से उसे भी प्रेरणा मिलती है हमें भी मिलती है। और मेरी लाइफ की बात करूँ तो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में कई सारे नाम दिए हैं जो जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि मेरा छोटा भाई है नादिर लिगारी, इसने मुझे ब्लॉगिंग वेबसाइट HTML कोडिंग और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और उसके पास कई सारे आइडियाज होते हैं। इसी तरह से गौरव पटेल की बात की थी मैंने कि हमने प्रेरणा पाथे साथ में मिलकर बनाया था और कई जिलों में हमने इसका शेयरिंग भी किया था। साथ में मैंने जब मैं लांबा जॉब करता था वहाँ पर हमारे CRC थे मेरक भाई चेतरिया, तो वो भी हमारे साथ जुड़कर काम करते थे और वो CRC थे तो उसके पास कई सारे टीचर्स के कॉन्टेक्ट थे तो वहाँ पर वो शेयरिंग करते थे उस वक्त जब सोशल मीडिया का कम उपयोग हो रहा था। और साथ में जो मैंने न्यू एरा में जॉब किया था वहाँ के ट्रस्टी थे भरत भाई रूपारेले, तो उन सभी का अहम रोल है। और साथ में खास रोल मैं कहूँगा तो मैंने लास्ट टाइम में जो कुछ सीखा है वो स्वयं ऐप से सीखा है, स्वयं पोर्टल से सीखा है, स्पोकन ट्यूटोरियल से सीखा है। आर्डुइनो प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो मैंने स्पोकन ट्यूटोरियल से सीखा है और CIET पर मैं कई सारे वर्कशॉप में अटेंड कर चुका हूँ जी। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप, ट्रेनिंग अटेंड करें ताकि आपके माध्यम से आपके बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिले, नॉलेज मिले और उन्हें भी ICT टूल्स का और ज़्यादा आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जर्नी जो है बहुत इंस्पायरिंग थी और बच्चों को बहुत अच्छा लगा उसके बारे में जान के। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आभारी हूँ जो आपने मुझे एक तक दी यहाँ पर बोलने की जी और मेरे विचार रजू करने की, इसलिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूँगा। और ये लास्ट में जो मेरी जर्नी थी नेशनल ICT अवार्ड ये भी मिला और मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। थैंक यू सर, और बहुत बहुत मुबारक हो आपके इस ICT अवार्ड के लिए और हम उम्मीद करते हैं आपको और भी आगे बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा जाए। धन्यवाद सर एक बार फिर से। ओके, थैंक यू। धन्यवाद हम सभी अपने दर्शकों का भी करना चाहेंगे। ये थी हमारी सीरीज जर्नी ऑफ नेशनल ICT अवार्डी टीचर पर, और अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा है तो NCERT ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप दोबारा इस कार्यक्रम को जब मर्जी देख सकते हैं। इस वक्त हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ी देर में हाजिर होंगे अपने एक और खास कार्यक्रम को लेके सहयोग, जहां हम बातचीत करेंगे नर्चरिंग पर्सनल सोशल स्किल्स पॉजिटिव एटीट्यूड पर। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।